बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम कुछ थेरेपीज देखते हैं फॉर द नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। तो सबसे पहले कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यानी कि सीबीटी। सो एनआईएच यानी नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ के अकॉर्डिंग जो सीबीटी है वो डिफरेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स के लिए एक कंप्रिहेंसिव अप्रोच पेश करती है। सो हम देखते हैं कि किस अंदाज में कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स के लिए स्पेसिफिकली वर्क कर सकती है। तो सबसे पहले हमने कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस देखी थी स्पेसिफिकली नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को लेकर। तो अब ये जो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस हैं इनको हम चैलेंज कैसे करते हैं, इन पे कैसे वर्क करते हैं और इनको पहले रिकॉग्नाइज करके फिर इनको चैलेंज किया जाता है, इनको जज किया जाता है, प्रूफ देखा जाता है, इनके हक में क्या प्रूफ है, इनके अगेंस्ट क्या एविडेंस है। तो इस अंदाज में इनको चैलेंज करके रीस्ट्रक्चर किया जाता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग। अब सबसे पहले माइंडफुल होके थॉट को देखना है, पहचानना है कि कौन सी थॉट है, कौन सी वाली कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है, इसके पीछे क्या बिलीफ है, बिलीफ सिस्टम क्या है। तो अब इसको हम रिप्लेस करते हैं एक रैशनल थॉट के साथ। रैशनल थॉट जो होती है वो हकीकत के करीब होती है। सो ये अमल जो है कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग कहलाता है। जब हम नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर की बात करें, इसकी हम जो नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न्स हैं, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस ऑलरेडी देख चुके हैं। सो उन पर हम किस तरह से वर्क कर सकते हैं ये हम देखते हैं। सो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स गिवन है। हो सकता है कि जो एनपीडी के इंडिविजुअल हैं अब उन्हें ये थॉट आ रही है और ऑब्वियसली डिस्टॉर्टेड थॉट है, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन, कि आई ओनली फोकस ऑन प्रेज, क्रिटिसिज्म डजेंट मैटर। अब यहाँ पर उनका कहना ये है कि वो ये सोचते हैं कि तारीफ जो है वो सब कुछ है, बस वही उसी पे मेरा फोकस है, और क्रिटिसिज्म ये तो एम ही बस लोग कर देते हैं, लोग तो जलते हैं, लोग एनवियस है, जेलसी की वजह से क्रिटिसाइज करते हैं। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं क्लियरली कि कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन मौजूद है, ये डिस्टॉर्टेड थॉट है। और इस कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन को हम कह सकते हैं कि सिलेक्टिव अटेंशन, या हम जिसे हमने पढ़ा था मेंटल फिल्टरिंग, कि पॉजिटिव पे यहाँ पे वो फोकस कर रहे हैं जो प्रेज है, और जो चीज उन्हें नेगेटिव लग रही है जो कि क्रिटिसिज्म है। तो इस थॉट को किस तरह से चैलेंज किया जा सकता है, हम इसे एविडेंस के साथ और लॉजिकली जब देखें, तो जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होता है वो तो ग्रोथ के लिए अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है। जब तक हमें हमारी मिस्टेक्स नहीं पता चलेंगी, हम इम्प्रूव कैसे करेंगे, हम आगे कैसे बढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। सो अगर इंसान यहाँ पे फंस गया है इस डिस्टॉर्टेड थॉट में कि मैं तो सिर्फ तारीफ पे फोकस करूंगा, क्रिटिसिज्म मैटर नहीं करता, तो वो अपने लिए लर्निंग के दरवाजे, अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे बंद कर रहा है, तो ग्रोथ रुक जाती है। इस तरह से दिस इज नॉट अ ग्रोथ माइंडसेट। सो यहाँ पे हम उस थॉट को रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जो है वो तो ग्रोथ के लिए अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है, और उस थॉट को फर्दर हम किस तरह से रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं, आई शुड कंसिडर ऑल फीडबैक फॉर अ बैलेंस्ड व्यू, कि जैसा भी फीडबैक आएगा तो मुझे उसे कंसिडर करना है, एटलीस्ट परखना जरूर है, अगर एक्सेप्ट नहीं भी करना परखना जरूर है।
हो सकता है कि जो क्रिटिसिज्म हो रहा है वो दुरुस्त हो। सो एक बैलेंस्ड व्यू तभी मिलेगा कि जब क्रिटिसिज्म और प्रेज दोनों को कंसिडर किया जा रहा हो। देन एक और कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है विक्टिमाइजेशन। ये भी नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर में बहुत ज्यादा पाई जाती है कि दे से कि आई एम ऑलवेज अ विक्टम, इट्स नेवर माई फॉल्ट। यहाँ पर भी गलतियों को ना तस्लीम कर सकना है, यानी वो अपना कसूर नहीं मानते, वो खुद को विक्टम शो करते हैं। ये डिस्टॉर्टेड थॉट है और विक्टिमाइजेशन कहलाती है ये कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन। तो इसकी जगह रीस्ट्रक्चर्ड थॉट क्या होगी जब हम इसकी कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग करते हैं? तो हम जानते हैं कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि इंसान की गलती कभी हो ही ना। ये जो लाइन है, इट्स नेवर माई फॉल्ट, इट कैन नॉट हैपन, एंड आई एम ऑलवेज अ विक्टम, ऐसा भी कभी नहीं होता कि मतलब आप भी सिर्फ मजलूम हैं और बाकी सारे जुल्म करने वाले हैं, या बाकी सारे गलतियां करने वाले हैं और आपसे गलती होती नहीं। तो ये चीज पॉसिबल नहीं होती। तो अब इसको चैलेंज किस तरह किया जा रहा है, रिस्ट्रक्चर्ड वे में किस तरह से इसको लिखा जा रहा है ऑन द वर्कशीट। और इस तरह से वर्कशीट पे लिखने से जब हम कोई रेशनल चीज, लॉजिकल चीज हम लिखते हैं, उसको समझते हैं, हमारा माइंड ज्यादा से ज्यादा उसको एक्सेप्ट करने लगता है। सो इस अंदाज में कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग वर्क करती है। तो जो न्यू थॉट है उसे लिखा जाएगा, जो रिस्ट्रक्चर्ड थॉट है, जो दुरुस्त है, जो फैक्ट्स के करीब है, जो पॉजिटिव भी है, और ये हेल्दी थॉट है। सो अकॉर्डिंग टू द रिस्ट्रक्चर्ड थॉट, व्हाइल एक्सटर्नल फैक्टर्स प्ले अ रोल, आई नीड टू एक्नॉलेज एंड एड्रेस माई कंट्रीब्यूशंस टू आउटकम्स। कि ठीक है, जो बैरूनी फैक्टर्स हैं उनका भी किरदार हो सकता है, कुछ कुछ कसूर दूसरों का भी हो सकता है, टीम मेंबर्स की भी गलती हो सकती है कहीं ना कहीं, कुछ चीजें एक्सटर्नल फैक्टर से हो सकती हैं, लेकिन जो मेरी कंट्रीब्यूशन है उसको मैं जरूर एक्नॉलेज करूंगा। यानी मुझसे जो कमी बेशी रह गई है उस पे मैं वर्क करूंगा। जो मेरी कंट्रीब्यूशंस की वजह से आउटकम्स में इश्यूज आ सकते हैं उनको एक्नॉलेज करना मेरी जिम्मेदारी है, राइट? ये हमने दो एग्जाम्पल्स देखी हैं कि किस तरह से हम कॉग्निशंस को रिस्ट्रक्चर करते हैं। देन आगे हम देखते हैं कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी को। इसमें कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग के साथ बिहेवियरल मॉडिफिकेशन भी होती है, यानी अब कुछ ऐसे बिहेवियर्स भी हो सकते हैं जिन्हें चेंज करने की जरूरत होती है। जिस तरह के एनपीडी में जो इंडिविजुअल्स हैं वो बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रहे होते हैं कन्वर्सेशंस को, वो खुद को इम्पोर्टेंट समझ रहे होते हैं, दूसरों की बातों को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे होते और समझ रहे होते हैं कि उनकी बात ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सो वो डोमिनेट कर रहे होते हैं कन्वर्सेशंस को कि दूसरों को मौका ना मिले बोलने का। या फिर ये होता है कि अगर जब दूसरे बात करते हैं कि उनके ओपिनियन को डिसमिस कर देते हैं, जैसे उनके ओपिनियन की कोई वक्त ही नहीं है, कोई वैल्यू ही नहीं है। तो इस अंदाज का जो कम्युनिकेशन पैटर्न है वो पाया जा सकता है। तो अब देखिए, ये बिहेवियर है, अब इस बिहेवियर को मॉडिफाई किया जा सकता है। पहले इसको हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये जो बिहेवियर है इट नीड्स चेंज, इट नीड्स मॉडिफिकेशन। सो क्योंकि ये प्रॉब्लम्स की वजह बन सकता है, सो हम इस बिहेवियर को किस तरह से मॉडिफाई करते हैं कि अब हम इंडिविजुअल को एक्टिवली लिसन करना सिखाते हैं, कि वो सुने। अब ये एक स्किल है, अब वो सुने दूसरों को, वो खामोश रहें, वो एम्पथी शो करें कि दूसरों का भी पॉइंट ऑफ व्यू है, दूसरे भी एक स्टांस, एक पर्सपेक्टिव रखते हैं। और इसी तरह से बैलेंस्ड कन्वर्सेशंस में एंगेज हों, यानी खुद भी वो अपने पॉइंट्स दें और दूसरों के भी सुने। देन एक्सपोजर थेरेपी।
एक्सपोजर थेरेपी सीबीटी का वो हिस्सा है जहाँ पर हम एंजाइटीज को, फियर्स को फेस करते हैं। क्लाइंट को हम एंजाइटी फेस करना सिखाते हैं। अब वो एंजाइटी किसी भी चीज़ में हो सकती है। जब हम नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को देखते हैं, जैसा कि बार बार ये चीज़ सामने आ रही है कि क्रिटिसिज्म का फियर उनमें पाया जाता है, तो क्रिटिसिज्म के फियर को फेस करना यहाँ पे सिखाया जाएगा एक्सपोजर थेरेपी में। जैसे कि एक सेफ एनवायरनमेंट में, एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट में, जैसे कि थेरेपी रूम में होता है, वहाँ पर उन्हें कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म और फीडबैक प्रोवाइड किया जाएगा और उनसे कहा जाएगा कि आप इसे फेस करें। तो इस रोल प्ले के थ्रू वो लर्न कर सकते हैं कि किस तरह से कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को उन्होंने फेस करना है। और ऐसा करने से जो उनकी एंजाइटी है, चूंकि वो फेस करते ही नहीं है, उनकी तवज्जा जाती ही नहीं है, जैसे कि हमने कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन की एग्जाम्पल्स में भी देखा, तो इस वजह से वो फियर करते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि इट इज अ सेल्फ अटैक, इट इज एन अटैक ऑन द सेल्फ। तो उसको वो अपनी तहकीर के तौर पे देख रहे होते हैं, वो पर्सनलाइज कर रहे होते हैं। सो यहाँ पर हमने देखा कि अगर उनकी इस तरह से प्रैक्टिस करवाई जाए, उनकी स्किल बिल्ड की जाए कि वो क्रिटिसिज्म को फेस करने लग पड़े, तो होता यूं है कि ये चीज़ उनकी हैबिट में आती चली जाती है। और अगर स्टार्ट में वो किसी हद तक इमोशनल पेन से गो थ्रू करते भी हैं, लेकिन आगे चलकर वो इमोशनल पेन थ्रू एक्सपोजर थेरेपी, थ्रू हैबिचुएशन, थ्रू कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग एंड बिहेवियरल मॉडिफिकेशन, वो जो तकलीफ है वो कम होती चली जाती है और अंडरस्टैंडिंग जो है वो बढ़ती चली जाती है। देन साइको एजुकेशन। साइको एजुकेशन में जो थेरेपिस्ट हैं, वो क्लाइंट को उस डिसऑर्डर के बारे में बताते हैं, जो इश्यू है, जो प्रॉब्लम होता है क्लाइंट के साथ, तो उसके बारे में मालूमात फराहम करते हैं। तो नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में बताया जाता है, साइको एजुकेट किया जाता है सीबीटी फॉर एनपीडी में। मिसाल के तौर पर उन्हें ये बताया जा सकता है कि जो उनके सिम्टम्स हैं, स्पेसिफिकली एम्पथी का लैक करना और ग्रैंडियोस बिहेवियर्स का होना, तो ये किस तरह से उनकी लाइफ को इम्पैक्ट कर सकता है, उनकी वर्क लाइफ को कैसे इम्पैक्ट कर सकता है, उनकी फैमिली लाइफ को कैसे इम्पैक्ट कर सकता है, तो इस अंदाज में साइको एजुकेट किया जाता है उन्हें। देन स्किल ट्रेनिंग। सीबीटी जो है उसमें प्रैक्टिकलिटी पाई जाती है, यानी कि होमवर्क दिए जाते हैं वीकली बेसिस पे, और उन होमवर्क्स में स्किल्स पे वर्क हो रहा होता है। ये एक तरह की स्किल ट्रेनिंग होती है। सो जहाँ जिस जिस एरिया में इंसान को ज़रूरत होती है इम्प्रूव करने की, तो उनसे रिलेटेड ट्रेनिंग्स दी जा रही होती हैं। सो यहाँ पर नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स का सीखना इम्पोर्टेंट होता है। कॉन्फ्लिक्ट्स अगर अराइज होते हैं, जो कि एनपीडी के इंडिविजुअल्स के साथ बहुत ज़्यादा ये इशू रहता है कि कॉन्फ्लिक्ट्स बन जाते हैं, तो उनको किस तरह रिजॉल्व करना है, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली इमोशंस को कैसे रेगुलेट करना है। जो एंगर है, जो फियर है, सेल्फ इम्पोर्टेंस को लेकर, सेल्फ इंटाइटलमेंट को लेकर, तो उस इमोशन को किस तरह से रेगुलेट करना है। सो यहाँ पर स्किल्स की ट्रेनिंग उन्हें दी जाती है। नेक्स्ट इज डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी, यानी कि डीबीटी। अब डीबीटी को एक माइंडफुलनेस बेस्ड अप्रोच समझा जाता है।
डीबीटी में फोर मॉड्यूल्स होते हैं और उन फोर मॉड्यूल्स की बेस में माइंडफुलनेस होती है। नहीं, सबसे पहले जो वर्क किया जाता है, सबसे पहले जो स्किल सिखाई जाती है वो माइंडफुलनेस की स्किल सिखाई जाती है। सो हम माइंडफुलनेस से स्टार्ट करते हैं। माइंडफुलनेस से ये मुराद है यहाँ पर कि प्रेजेंट फोकस्ड रहना। एक तो आपकी जो अटेंशन है, आपका जो फोकस है, वो प्रेजेंट में होना होगा। प्रेजेंट में, और इस तरह से प्रेजेंट में होना है कि नॉन जजमेंटल होंगे आप। आपका जो एटीट्यूड है वो जस्ट चीज़ों को, थॉट्स को, फीलिंग्स को, एनवायरनमेंट को जस्ट ऑब्जर्व करना है और क्यूरियसली ऑब्जर्व करना है। इस तरह से जिस तरह से आप मजीद जानना चाहते हैं, आपने जस्ट ऑब्जर्व करना होता है, आपने जज नहीं करना, आपने कोई अपना मीनिंग नहीं देना उस सिचुएशन को या उन थॉट्स और फीलिंग्स को, आपने जस्ट उन्हें ऑब्जर्व करना होता है। सो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर में हम देखते हैं कि इन्हें बहुत ज़्यादा सेल्फ अवेयरनेस की नीड होती है। सो जब वो माइंडफुल होकर अपनी थॉट्स, अपनी फीलिंग्स और जो उन फीलिंग्स और थॉट्स के बाद आउटकम्स आते हैं, जो प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करने पड़ सकते हैं, तो जब उन सब चीज़ों को देखते हुए सेल्फ अवेयरनेस गेन करते हैं, तो ये उनके लिए काफ़ी हद तक बेनिफिशियल हो सकता है। और ये तभी मुमकिन है जब वो माइंडफुल होंगे और नॉन जजमेंटल हो जाएंगे। जब वो चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे, जब वो फैक्ट्स को देखेंगे, जब वो कोई राय कायम नहीं कर रहे होंगे किसी चीज़ के बारे में, जस्ट फैक्ट्स को वो देख रहे होंगे। इसी तरह से इमोशनल रेगुलेशन स्किल्स। अब डीबीटी इमोशंस को रेगुलेट करना सिखाती है। बेसिकली ये बनी थी बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर के लिए, जो कि इमोशन से रिलेटेड इमोशनल इनस्टेबिलिटी का एक डिसऑर्डर है। सो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर में भी ऑलमोस्ट सिमिलर सिम्टम्स पाए जा रहे होते हैं इमोशंस को लेके। तो यहाँ पर इन्हें भी इमोशनल रेगुलेशन स्किल्स की नीड होती है। तो इमोशनल रेगुलेशन स्किल से ये मुराद है कि सबसे पहले तो इमोशंस को आइडेंटिफाई किया जाए, उन्हें रिकॉग्नाइज किया जाए कि ये इमोशंस पाए जा रहे हैं, इस वक्त पर ये इमोशन मौजूद है, उनको आइडेंटिफाई किया जाए कौन सा इमोशन है, उस इमोशन का नाम आता हो कि वो कैसा फील कर रहे हैं। तो ये प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट होता है कि आप उस अपने इमोशन को आइडेंटिफाई करते हैं। जब आइडेंटिफाई कर लेते हैं, फिर आप उस इमोशन को एक्सेप्ट करते हैं कि राइट, ये इमोशन मौजूद है, ये इमोशन पाया जा रहा है। जब आप इस तरह से कर लेते हैं, फिर आप देखते हैं कि इसका क्या इम्पैक्ट है इस इमोशन का आपकी लाइफ पे, फिर इससे कौन सी कॉग्निशंस जुड़ी हुई हैं, इससे कौन से बिहेवियर्स जुड़ते हैं। सो आप इस अंदाज में एक बेहतर पोजीशन में होते हैं कि आप अपने इमोशंस को प्रोसेस कर सकेंगे, यानी कि रेगुलेट कर सकेंगे। सो ये एक लॉन्ग टर्म की स्किल हो सकती है, खासकर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स में, कि आपको ये स्किल सीखनी होती है, आपको अपने इमोशंस के साथ रहना होता है, आपने उनको फेस करना होता है। देन इसी तरह से एक और स्किल होती है डिस्ट्रेस टॉलरेंस। डिस्ट्रेस टॉलरेंस स्किल में आप डिस्ट्रेस को टॉलरेट करना सीखते हैं। तो डिस्ट्रेस इनएविटेबल होता है, ऐसा नहीं हो सकता कि लाइफ में कभी डिस्ट्रेस नहीं आएगा। डिस्ट्रेस आता है, हर इंसान को फेस करना पड़ता है। तो कुछ जगहों पे हम उसे एस्केप कर सकते हैं, डिस्ट्रेस को हम वहां से हट सकते हैं,
जिस सिचुएशन में डिस्ट्रेस है, लेकिन काफी दफा इस तरह होता है कि हमने उसे फेस करना होता है, हमने उसे टॉलरेट करना होता है। तो ये एक स्किल है जो इम्पोर्टेंट होती है स्पेसिफिकली फॉर नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो ये थर्ड स्किल हो गई डायलेक्टिकल बिहेवियरल थेरेपी की। फर्स्ट माइंडफुलनेस, सेकंड इमोशनल रेगुलेशन, थर्ड डिस्ट्रेस टॉलरेंस, और फोर्थ जो है वो इंटरपर्सनल इफेक्टिवनेस स्किल कहलाती है। यानी कि अब आपने अपने रिलेशनशिप्स को किस तरह से लेके चलना है। सो चूंकि एनपीडी का जो इशू है वो रिलेशनशिप्स से रिलेटेड काफी ज्यादा होता है, फीलिंग्स को ना समझ पाना, एम्पथी का लैग होना, तो इस अंदाज में यहाँ पर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाई जाती हैं। किस अंदाज में उन्हें कम्युनिकेट करना है, किस अंदाज में इफेक्टिव कम्युनिकेशन होती है। इन स्किल्स के साथ साथ एक सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी का होना, ये जो एक इश्यू हम देख रहे हैं बार बार कि फॉल्ट्स को तस्लीम ना कर पाना, और जो क्रिटिसिज्म है उस पे एंग्री हो जाना, उसको तस्लीम ना कर पाना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक अकाउंटेबिलिटी का लैक पाया जा रहा है, सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो डीबीटी स्किल्स में डीबीटी की जो सेशंस होते हैं उनमें हम देखते हैं कि दो तीन तरह के डिफरेंट सेशंस पाए जा रहे होते हैं। एक तो उनका इंडिविजुअल सेशन होता है, वहाँ पर भी क्लाइंट्स ये स्किल्स सीख रहे होते हैं। फिर ग्रुप सेशंस भी होते हैं और टेलीफोनिक सेशंस भी होते हैं, जो कि इन सेशंस के दरमियान कहीं पर अगर क्लाइंट को नीड पड़ती है तो वो कॉल भी कर सकते हैं इन अ गिवन टाइम। तो अब यहाँ पर जो ग्रुप सेशंस है, तो ग्रुप सेशन में एक स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट होती है, 6 से 8 लोग उस ग्रुप में मौजूद होते हैं। तो वहाँ पर रूल्स होते हैं और ग्रुप में जो बिहेवियर है उसकी बेसिस पर क्लाइंट्स को अकाउंटेबल ठहराया जाता है। तो इस तरह से एक सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी उनमें आता चला जाता है और ये स्किल भी उनकी बिल्ड होने लगती है। इस तरह उन्हें ये भी पता चलता है, एम्पथी भी सीखते हैं वो, कि उनकी वजह से, उनके एक्शन से दूसरे मुतासिर हो रहे होते हैं और हो सकते हैं। देन हम बात करते हैं स्कीमा थेरेपी की फॉर नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। अब स्कीमा थेरेपी जो है ये बेसिकली डिफरेंट थेरेपी से मिलकर बनाई गई है। इसमें कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के एलिमेंट शामिल हैं, इमोशन फोकस थेरेपी के एलिमेंट्स, जेस्टाल थेरेपी और साइको डायनामिक थेरेपी के एलिमेंट्स शामिल किए गए हैं। अब इस अप्रोच के पीछे, चूंकि इसका नाम स्कीमा है, तो स्कीमास का कॉन्सेप्ट है। अब स्कीमा क्या होता है कि हमारे बिहेवियर्स और थॉट्स के पैटर्न्स होते हैं। अब ये जो पैटर्न्स हैं ये डेवलप कर सकते हैं हमारे जो बचपन की अनमेट इमोशनल नीड्स हैं, कि जब बचपन में जो नीड्स, इमोशनल नीड्स मीट नहीं हो सकी, उनकी वजह से ये स्कीमास डेवलप हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर बचपन में ट्रॉमा हुआ है, ट्रॉमा फेस करना पड़ा है, अब्यूज फेस करनी पड़ी है, और या इसी तरह का निगलेक्ट या नेगेटिव
और हार्मफुल एक्सपीरियंस से इंडिविजुअल को गुजरना पड़ा है। सो अब ऐसा होता है कि ये जो स्कीमाज हैं ये अगेन ट्रिगर हो सकते हैं, अगेन री इन्फोर्स हो सकते हैं ये, यानी कि जैसे ही लाइफ के चैलेंजेस आते हैं इन्हीं प्रॉब्लम्स की तरह लाइक एब्यूज ट्रॉमा, तो फिर से ये स्कीमाज री इन्फोर्स हो सकते हैं। यानी जो इंडिविजुअल है वो अपने चाइल्डहुड के स्कीमा में चला जाता है, उस मोड में चला जाता है। सो अब इन स्कीमास को पॉजिटिव वेज में एड्रेस करने की जरूरत होती है, क्योंकि हमने देखा कि जो बचपन का उनकी अनमेट नीड्स की वजह से जो स्कीमा बना है, और अब इस एज में वो क्लाइंट उस स्कीमा में चले जाते हैं, वो स्कीमा रीइन्फोर्स हो जाता है किसी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन की वजह से, तो अब हम उन्हें पॉजिटिव वेज में जब एड्रेस करेंगे उस स्कीमा को, तो हम बचपन की उन अनमेट इमोशनल नीड्स को उन पे वर्क कर सकते हैं। कि वो जो इमोशनल नीड्स मीट नहीं हुई थी अब वो मीट होने लग जाए, और जो पर्सनैलिटी है, जो नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी है, वो इम्प्रूव होने लग जाए। सो दिस इज द मेन फोकस ऑफ स्कीमा थेरेपी। सो क्लाइंट्स की हेल्प करने के लिए कि इस गोल को वो अचीव कर लें कि बचपन की अनमेट इमोशनल नीड्स को पूरा करने में उनकी हेल्प की जा सके, जो स्कीमा थेरेपिस्ट हैं वो इन स्कीमास को ग्रुप करते हैं कोपिंग रिस्पॉन्सेज में, जो कि कहलाते हैं मोड्स, मोड्स कहलाते हैं। अब इस थेरेपी में कौन कौन सी स्ट्रेटजीज या टूल्स यूज किए जा सकते हैं, उनमें रोल प्ले इम्पॉर्टेंट है। रोल प्ले यानी कि जो क्लाइंट और थेरेपिस्ट हैं वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं इस अंदाज में जिस तरह के एक रियल सिचुएशन है। फॉर एग्जांपल, क्लाइंट का किसी फ्रेंड के साथ इशू है और वो उससे कम्युनिकेट किस तरह करेंगे, उस इशू को किस तरह रिजॉल्व करेंगे, तो उस सिचुएशन को वो यहाँ पर थेरेपी रूम में थेरेपिस्ट के साथ डिस्कस कर सकते हैं, और यहाँ पर एक रोल प्ले हो सकता है कि वो किस तरह से उस इशू को रिजॉल्व कर सकते हैं। सो रोल प्ले इम्पॉर्टेंट होता है। इसी तरह से इंटरपर्सनल टेक्निक्स भी शामिल होती हैं, जिस तरह से हम डायलेक्टिकल बिहेवियरल थेरेपी की बात कर रहे थे, वहाँ पर भी रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव करने की टेक्निक्स होती हैं, यहाँ स्कीमा थेरेपी में भी ऐसा होता है। देन जो सीबीटी की हमने अप्रोचेस देखी हैं वो भी इसमें शामिल हो सकती हैं। और थेरेपिस्ट स्कीमा थेरेपी के लिए इंडिविजुअल पर, क्लाइंट पर कुछ लिमिट्स भी सेट कर सकते हैं, जैसे कि पेरेंट्स करते हैं। तो इसको कहा जाता है रीपेरेंटिंग या लिमिटेड रीपेरेंटिंग। लिमिटेड रीपेरेंटिंग से ये मुराद है कि जो इंडिविजुअल है उसको वल्नरेबल चाइल्ड मोड में पहुंचाया जाता है सबसे पहले, यानी कि जो उसका अटैचमेंट पैटर्न, जो कनेक्शन का स्टाइल बचपन में चाइल्डहुड में उसकी मदर के साथ था, वो सेम उस वक्त हो जाता है जब वो इमोशनल पेन फील करता है, जब वो वल्नरेबल होता है। तो यहाँ पर लिमिटेड पेरेंटिंग में क्या होता है कि पहले तो वो इंडिविजुअल जब वल्नरेबल चाइल्ड मोड में पहुंच जाता है, उसी इमोशनल पेन को फील करने लगता है,
तो वहां पे उसको वैलिडेशन और रीएश्योरेंस प्रोवाइड की जाती है। और हम कुछ बाकी मोड देखते हैं जो कि एनपीडी से जुड़े हुए हैं, यानी कि अब हमने इन मोड्स से उस इंडिविजुअल को निकाल कर हेल्दी मोड में लेके आना है, मैच्योर मोड में लेके आना है। सो अब जो फर्स्ट मोड यहाँ पर जिसका जिक्र हो रहा है वो है डिटैच्ड प्रोटेक्टर और सेल्फ सूदर। अब इसको फ्लाइट मोड भी कहा जाता है, यानी कि जब तकलीफ होती है, जब स्ट्रेस होता है, तो इंडिविजुअल क्या कर सकते हैं कि कुछ नेगेटिव किस्म के बिहेवियर्स हैं उनमें इन्वॉल्व हो सकते हैं सेल्फ को सूद करने के लिए। ये सेल्फ, अब सेल्फ को तकलीफ हो रही है, सेल्फ डिस्ट्रेस से गो थ्रू कर रहा है, तो अब वो इंडिविजुअल डिटैच होके खुद को प्रोटेक्ट कर रहा है और एक अंदाज में सेल्फ को सूद कर रहा है। तो इसमें सब्सटेंस अब्यूज आ सकती है कि डिस्ट्रेस में अब वो चले गए हैं और उन्होंने ड्रग्स यूज करना स्टार्ट कर लिए हैं, गैम्बलिंग कर रहे हैं या ओवर वर्क कर रहे हैं, फैंटिसाइजिंग कर रहे हैं, सेल्फ हार्म कर रहे हैं, इस तरह की एक्टिविटीज में वो इन्वॉल्व हो सकते हैं। यानी किसी तरह से वो सेल्फ को सूद करते हैं इमोशनल पेन को कम करने के लिए, राइट? सो इमोशनल पेन को कम करने के लिए कभी वो दूसरे लोगों को रिजेक्ट भी कर सकते हैं, स्टोन वॉल भी कर सकते हैं, राइट? तो ये डिटैच्ड प्रोटेक्टर और सेल्फ सूदर मोड है। इसमें वल्नरेबिलिटी और डिस्ट्रेस की फीलिंग से खुद को डिटैच किया जाता है। तो हम जब देखेंगे एनपीडी को तो उनमें ये मोड पाया जा रहा होता है और ये उनसे एसोसिएट कर रहा है कि वो ऐसा ही कर रहे होते हैं। जैसे कि वो दूसरों की बात को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, उनको रिजेक्ट करते हैं, राइट? उनसे डिटैच हो जाते हैं। देन एक और मोड है स्कीमा थेरेपी का, जिससे कहते हैं सेल्फ एग्रेंडाइजर। अब सेल्फ एग्रेंडाइजर मोड जो है वो एक एग्जेजरेटेड सेंस ऑफ सेल्फ इम्पोर्टेंस को करेक्टराइज करता है। सो जो चीज है सुपरियोरिटी, एंटाइटलमेंट, जो खुद को अहम समझना है, वो इस मोड में आ जाता है। यानी दूसरे लोगों को कम इम्पोर्टेंस देना, उनमें कम इंटरेस्ट रखना और अपनी जो अचीवमेंट्स हैं उनके बारे में बात करते रहना। और इसलिए वो एडमायरेशन सीख करते रहते हैं ताकि जो उनकी हिडन वल्नरेबिलिटीज हैं और इनसिक्योरिटीज हैं वो रिवील ना हो जाएं। सो दिस इज सेल्फ एग्रेंडाइजर मोड। अब इन मोड्स को देखा जाता है, समझा जाता है कि इन मोड्स में जो इंडिविजुअल है वो एक्टिव होते हैं। सो अब इस थेरेपी का, स्कीमा थेरेपी का पर्पस ये है कि इन सारे मोड्स को कन्फ्रंट करना है और यहां से गुजार कर उस इंडिविजुअल को हेल्दी अडल्ट मोड में लेकर आना है। और हेल्दी अडल्ट मोड जो है वो साइकोलॉजिकल और इमोशनल मैच्योरिटी का मोड है। यहाँ पर जो इंडिविजुअल है वो
कैपेबल होते हैं, स्ट्रांग होते हैं और वेल फंक्शनिंग होते हैं। सो यहाँ पर स्ट्रेंथ से और कैपेबिलिटी से ये मुराद भी है कि वो अपने एक्शंस और बिहेवियर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के काबिल हो जाते हैं, और ये चीज़ हेल्दी एडल्ट मोड एक मैच्योरिटी की निशानी है। तो जब बचपन की उन वल्नरेबिलिटीज को हील करना स्टार्ट कर देते हैं इंडिविजुअल्स, तो वो हेल्दी एडल्ट मोड में आ सकते हैं। सो ये थी स्कीमा थेरेपी। अब हम देखते हैं ट्रांसफरेंस फोकस्ड साइकोथेरेपी। अकॉर्डिंग टू ट्रांसफरेंस फोकस्ड साइकोथेरेपी, जो इंडिविजुअल्स के रिलेशनशिप के प्रॉब्लम्स हैं, उनकी वजह जो अर्ली लाइफ एक्सपीरियंसेस की, बचपन की जो अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स हैं और डिस्टॉर्टेड परसेप्शंस हैं, वो होते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द पर्सनैलिटी बचपन में बन जाती है, अर्ली ईयर्स में बन जाती है। तो उन अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स पे अब वर्क किया जाता है इन द ट्रांसफरेंस फोकस साइकोथेरेपी। आप देखें कि जो एनपीडी के पेशेंट होंगे, उनमें एक फियर पाया जाता है कि उन्हें अबैंडन कर दिया जाएगा, उन्हें छोड़ दिया जाएगा। ये चीज़ हम देखते हैं बीपीडी और एनपीडी दोनों जो डिसऑर्डर्स है पर्सनैलिटी के, उनमें ये चीज़ पाई जाती है, फियर ऑफ अबैंडनमेंट, कि उन्हें छोड़ दिया जाएगा, वो अकेले रह जाएंगे। तो अब ये हो सकता है कि ये जो फीलिंग है अबैंडनमेंट की, ये जो फियर है, फियर की फीलिंग है, ये थेरेपी रूम में भी आ सकती है। यानी जब क्लाइंट थेरेपिस्ट के सामने है, तो अब वो इन रिजेक्शन और अबैंडनमेंट की फीलिंग्स को थेरेपिस्ट पे भी प्रोजेक्ट कर सकते हैं। यानी वो ये एज्यूम कर सकते हैं कि थेरेपिस्ट आखिरकार उन्हें छोड़ देगा, या उन्हें छोड़ देगा या उन्हें क्रिटिसाइज करेगा। तो ये फियर पाया जा सकता है। अब जो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के इंडिविजुअल्स हैं, वो थेरेपिस्ट के लिए बहुत से चैलेंजेस भी लेके आते हैं। एक तो इशू ये है कि जो हेल्दी डिपेंडेंसी चाहिए होती है, वो डिपेंडेंसी बनाने में मुश्किलात का सामना हो रहा होता है। जो अटैचमेंट है थेरेपिस्ट के साथ, जिस तरह से उन्हें अटैच होना है, उसमें प्रॉब्लम्स होते हैं। जिस तरह से कम्युनिकेट किया जा रहा है, वहाँ पे उन्हें प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते हैं। अब ये जो ट्रांसफरेंस फोकस्ड साइकोथेरेपी है, इसमें जो क्लाइंट है, उन्हें कुछ रिफ्लेक्शन चाहिए होती है कि वो सेल्फ को रिफ्लेक्ट कर सकें, सेल्फ अवेयरनेस गेन कर सकें। लेकिन इस चीज़ में भी, इस प्रोसेस में भी थेरेपिस्ट को प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे होते हैं। सेकंड ये कि ग्रोथ के लिए, इमोशनली ग्रो करने के लिए क्लाइंट्स को उस इमोशनल पेन को किसी हद तक टॉलरेट करना होता है। देखिए, जब हम बात कर रहे थे कॉग्निशंस की, तो कॉग्निशंस को हम चेंज करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन जब हम वर्क करते हैं इमोशंस पे, तो इमोशन पे जो वर्क होता है वो ये होता है कि हमने इमोशंस को एक्सेप्ट करना है और हमने इमोशंस को फेस करना है, टॉलरेट करना है, और ये चीज़ फिर ग्रोथ की तरफ लेके जाती है। जब आप इमोशंस को टॉलरेट करते हैं, तब आप ग्रो करते हैं और
ट्रांसफॉर्म होते हैं। सो यहां पर यह देखा जाता है इशू कि चूंकि जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है, क्रिटिसिज्म किसी भी सूरत में कबूल नहीं कर सकते हैं ये, तो यहाँ पर एक चीज़ बड़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है कि अक्सर जो क्लिनिशियंस हैं, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, जो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के पेशेंट्स के साथ वर्क कर रहे होते हैं, तो वो डीवैल्यूड फील कर सकते हैं, डीस्किल्ड फील कर सकते हैं, जैसे उनके पास कोई स्किल ही नहीं है, क्योंकि जो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर इंडिविजुअल्स हैं वो उनकी बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते हैं, उन्हें ये फील हो सकता है कि वो इररेलेवेंट हैं, उन्हें इम्पोर्टेंस ही नहीं दी जा रही, या उन्हें यहाँ तक फील हो सकता है कि वो अंडर अटैक है, उन पर अटैक किया जा रहा है। तो ये प्रॉब्लम्स थेरेपिस्ट तक को फेस करने पड़ सकते हैं। सो जब नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर को ट्रीट करने की बात आती है और ट्रांसफरेंस फोकस्ड साइकोथेरेपी की हम बात कर रहे हैं, तो कुछ साइकोलॉजिस्ट इस हद तक भी चले जाते हैं कि वो चूंकि अब नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के इंडिविजुअल्स को उनके इमोशंस को प्रोसेस करना है, तो वो उनसे जो इमोशनल पेन उन्हें मिल रहा होता है उसको भी वो एक्सेप्ट करने का कहते हैं। वो इस बाउंड्री को भी वायलेट करते हैं कि जब वो अपने पेन को एक्सप्रेस करेंगे, जब थेरेपिस्ट को उनसे पेन मिलेगा, जब उनसे डीवैल्यूड फील होगा, तो तब आगे चलकर वो उनसे एम्पथी का एक बॉन्ड क्रिएट कर सकते हैं उनके साथ। कुछ साइकोलॉजिस्ट इस हद तक भी जाते हैं। अब होता इस तरह है कि जो क्लाइंट्स हैं, जब उनसे कम्युनिकेशन की जा रही होती है उनके प्रॉब्लम्स के बारे में, तो चांसेस आर देयर कि वो पैरानॉइड हो जाएंगे, ट्रस्ट का जो एक सेंस है थेरेपी रूम में वो बिल्ड होना मुश्किल लग रहा होता है, और ऐसा भी हो सकता है कि वो एंग्री हो जाएं, हॉस्टाइल हो जाएं। तो इससे जो स्किल्स होती हैं, जो फंक्शंस होते हैं थेरेपिस्ट के ऑब्जर्व करने की और एनालाइज करने की सिचुएशन और प्रॉब्लम्स को, वो भी कंप्रोमाइज हो सकते हैं, और इवेंचुअली जो ट्रीटमेंट है उसको टर्मिनेट करना पड़ सकता है, जिसे हम कहते हैं प्री मैच्योर टर्मिनेशन, यानी कि वो ट्रीटमेंट चल नहीं पाया और पहले ही वो टर्मिनेट हो गया, एंड हो गया। सो ट्रांसफरेंस का ये मतलब होता है कि जो इमोशंस हैं उन्हें प्रोजेक्ट किया जाता है किस पर? थेरेपिस्ट पर। तो अब इन प्रोजेक्शंस को एड्रेस करना होता है ट्रांसफरेंस फोकस्ड थेरेपिस्ट ने। अब ये किस तरह किया जा सकता है? ये फॉर एग्जांपल, जब थेरेपिस्ट ये देखते हैं कि कुछ सर्टन टॉपिक्स ऐसे हैं कि जिनकी जब बात की जाती है तो क्लाइंट डिफेंसिव हो जाते हैं, वो जवाब नहीं देते, तो इस तरह से TFP में जो थेरेपिस्ट हैं अब वो क्वेश्चन कर सकते हैं कि हमने नोटिस किया है कि जब हम इन टॉपिक्स की बात करते हैं, आपसे डिस्कस करते हैं, तो आप कुछ डिफेंसिव हो जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि ये जो डिफेंसिवनेस है, कहीं आप क्रिटिसिज्म या रिजेक्शन तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते उस टाइम पे, क्या हम इन फीलिंग्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं कि ये किस वजह से हो रही है, किस वजह से आ रही है, राइट? तो ये क्वेश्चन करके जो ट्रांसफरेंस है, जो इमोशनल बॉन्ड बन रहा है थेरेपिस्ट और क्लाइंट के दरमियान,
वहां पर जो पेशेंट है, अब उसको कोई इनसाइट मिल सकती है इन इमोशनल रिस्पॉन्सेस के दरमियान, कहीं पे जो क्लाइंट है उनको इनसाइट मिल सकती है। अब वो इन डेप्थ उस प्रॉब्लम और इमोशन की इन डेप्थ जा सकते हैं और आगे फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं उन फीलिंग्स को। तो इस तरह से, इस प्रोसेस से गुजरते हुए, जब ये चीज़ होती है, जब ट्रांसफरेंस के इश्यूज आते हैं, तो इस प्रोसेस में जो क्लाइंट है उसे सेल्फ अवेयरनेस मिल रही होती है, इससे सेल्फ अवेयरनेस इम्प्रूव होती है। और जो मेन चीज़ है वो सेल्फ अवेयरनेस होती है, कि जब सेल्फ अवेयरनेस हो जाएगी, इमोशंस को वो एक्सेप्ट करने लगेंगे, उनको वो टॉलरेट करने लगेंगे, तो तब ट्रांसफॉर्मेशन और चेंज आ सकती है। और सेकंड बेनिफिट इसका ये है कि अब यहाँ पर इन दोनों के आपस में कम्युनिकेशन हो रही है, थेरेपिस्ट और क्लाइंट की, तो अब वो इस चीज़ को अपने रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो नार्सिसिस्ट है वो रिलेशनशिप्स में किस तरह से एक्ट कर सकते हैं। तो जिन लोगों को एनपीडी होता है वो अपने रिलेशनशिप्स में इंटेंस हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि जब उन्हें कोई शख्स अच्छा लग रहा है, अपना पार्टनर जब उन्हें अच्छा लग रहा है, तो उन्हें आपकी हर हर चीज़ अच्छी लगेगी। और नेक्स्ट मोमेंट ये भी हो सकता है कि उन्हें ऐसा लगेगा कि जो मसला है रिलेशनशिप में, उस मसले की जड़ ही आप हैं, यानी हर चीज़ आपकी वजह से हो रही, हर प्रॉब्लम का रीज़न आप ही हैं। तो ये चीज़ हो सकती है कि इंटेंस वेज होते हैं, हमने देखा था ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग होती है, वो चीज़ों को ऑल और नथिंग वे में देख रहे होते हैं। और रिलेशनशिप में उन्हें पर्सनल अकाउंटेबिलिटी, यानी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो नहीं ले पाते हैं, इस चीज़ से रिलेटेड भी उन्हें स्ट्रगल करना पड़ता है। अपने जो फ्लॉज हैं, जो मिस्टेक्स हैं, उनको वो नहीं रिकॉग्नाइज कर पाते हैं और हम्बल नहीं रह सकते हैं, तो ये इश्यूज उन्हें फेस करने पड़ सकते हैं। अब हम देखते हैं कि नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप को किस तरह से मैनेज किया जा सकता है, क्योंकि नार्सिसिस्ट जो इंडिविजुअल हैं, अब उनके साथ जो उनके पार्टनर होंगे उन्हें इमोशनली सफ़र करना पड़ सकता है। अब वो किस तरह से मैनेज करेंगे इस रिलेशनशिप को? सबसे पहले तो उन्हें नार्सिसिज्म के बारे में सब कुछ सीखना होगा कि बेसिकली नार्सिसिज्म क्या है, क्यों है, ये सारी चीज़ें उन्हें सीखनी होती हैं। देन उनकी जो एक्सपेक्टेशंस होंगी वो रियलिस्टिक होनी चाहिए। जिस तरह से नार्सिसिस्ट की एक इमेजिनरी वर्ल्ड है, तो उस तरह से उन्होंने चीज़ों को नहीं देखना, वो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस उनकी होनी चाहिए। थर्ड चीज़ ये है कि आपने कॉन्फ्लिक्ट को हर सूरत अवॉइड करना है, आपने डिटैच हो जाना है, रिएक्ट नहीं करना है इमोशनली, और कॉन्फ्लिक्ट को आपने अवॉइड करना है नार्सिसिस्ट के साथ। और जब आप देखते हैं किसी भी तरह से कोई अब्यूज़ होती है, चाहे वो वर्बल अब्यूज़ है, चाहे वो डिसरिस्पेक्ट है, चाहे वो इमोशनल अब्यूज़ है, आपने उसको आइडेंटिफाई करना है और कन्फ्रंट करना है। कन्फ्रंट डजंट मीन कि आपने उनसे बहस करनी है, लड़ाई करनी है, इट मीन्स कि आपने अपनी बाउंड्री सेट करनी है, आपने बताना है कि ये चीज़ें आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। और ये आसान नहीं होता, क्योंकि वो अपने आप को इम्पोर्टेंट समझ रहे होते हैं और वो समझते हैं कि ये जो रूल्स हैं उनके लिए नहीं है, तो वो बाउंड्रीज को क्रॉस कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर आपने रेगुलरली अपनी
बाउंड्री सेट करनी होती हैं ताकि वो मजबूर हो जाएं और इन बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करें। देन आपने सिस्टमैटिक ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करना है। अब सिस्टमैटिक ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन क्या है कि सबसे पहले आपने डिफेंड नहीं करना। हो सकता है कि जो नार्सिसिस्ट हैं वो आपसे एक्सप्लेनेशंस मांगे, वो चाहें कि आप खुद को कन्विंस, आप उनको कन्विंस करें अपने बारे में। तो जो सच है, जो आपका पर्सपेक्टिव है, आपने उसको डिफेंड नहीं करना। पहली चीज़ तो ये होगी, यानी आप एफर्ट करते रहेंगे और वो आपको पुश करते रहेंगे कि आप डिफेंड करते जाएं, तो यहाँ पर आप डिफेंसिव हो जाते हैं। सो ऐसा आपने नहीं करना। देन जो नार्सिसिस्ट की मैनिपुलेशन है, जो हमने सारी उनकी टैक्टिक्स देखी थी, तो आपने उनमें इंगेज नहीं होना। डोंट इंगेज। जब आप उनसे बात करते, कम्युनिकेट करते हैं, जस्ट आप उनसे ब्रीफली शॉर्टली इंफॉर्मेशन शेयर कर दें और जो फैक्ट्स हैं वो स्टेट कर दें। थर्ड थिंग इज डोंट एक्सप्लेन। आपने कभी खुद को नार्सिसिस्ट के सामने एक्सप्लेन नहीं करना। अगर आप हैवी डिस्कशंस में जाते हैं तो ऐसा हो सकता है कि जो आपका पीस है वो ख़राब हो जाएगा। आपने अपने पीस को प्रोटेक्ट करना है और इस तरह की डिस्कशंस में नहीं जाना। देन आपने, अगर इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं, आपने चीज़ों को पर्सनलाइज नहीं करना। उनके बिहेवियर्स, उनके वर्ड्स ऐसे हो सकते हैं कि जो हार्मफुल हो सकते हैं, तो आपने इमोशनली भी खुद को डिटैच रखना है। आपने उन बिहेवियर्स, उन वर्ड्स को पर्सनलाइज नहीं करना, अपनी ज़ात के साथ नहीं जोड़ना। तो जो उनके वर्ड्स हैं, जो उनका बिहेवियर है, हो सकता है वो आपके लिए यूज़ कर रहे हो वो वर्ड्स, हो सकता है वो आपके साथ इस तरह से बिहेव कर रहे हैं, लेकिन उन रिस्पॉन्सेस का आपके साथ कोई लेना देना नहीं। वो उनका इशू है, तो उनके इशू को उन्हीं के साथ रहने दें आप। दिस इज सिस्टमैटिक ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन। देन आपने सेल्फ केयर करनी है। आपने जो आपकी हॉबीज हैं, आपने उन्हें एंजॉय करना है। आपकी जो अपनी एक्टिविटीज हैं, आपने उन्हें एंजॉय करना है। आपने, आपका एक सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए। इस रिलेशनशिप से हट के भी आपने अपने बाकी फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ भी इन टच रहना है। एंड लास्टली, प्रैक्टिस सेल्फ लव, सेल्फ कंपैशन एंड सेल्फ केयर। अब हम देखते हैं रिलेशनशिप्स में जो नार्सिसिज्म है वो किस तरह से बिहेव कर सकते हैं और नार्सिसिस्टिक साइकिल कैसे होती है। तो सबसे पहले जब रिलेशनशिप स्टार्ट होता है, जो नार्सिसिस्ट हैं वो आइडियलाइज करते हैं, लाइक यू आर माई सोलमेट। दे कैन से यू आर माई सोलमेट। अब जब आइडियलाइजेशन का फेज गुजर जाता है, उसके बाद डीवैल्यूएशन का फेज आता है और वो आपकी डिसरिस्पेक्ट करते हैं, आपको डिग्रेड करते हैं, और उनकी ये एक्सपेक्टेशन होती है कि जैसा वो कहेंगे वैसा आपको करना है। देन डीवैल्यूएशन के बाद एक और फेज आता है जिसे डिस्कार्ड कहा जाता है। यहाँ पर वो आपको छोड़ देते हैं, आपको पुश करते हैं और आपको छोड़ देते हैं, ये कहकर कि यू आर क्रेजी। यानी ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसके थ्रू ये कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा है। हम एक और वे में इस नार्सिसिस्टिक अब्यूज की साइकिल को देखते हैं कि सबसे पहले आइडियलाइजेशन फेज है। आइडियलाइजेशन में जो नार्सिसिस्ट हैं वो अपनी अटेंशन, अपना लव, एडमायरेशन, ये सारी चीज़ें आप पे शावर करते हैं। इसे हनीमून फेज भी कहा जाता है। यहाँ पर जो विक्टिम है
वो अप्रिशिएटेड फील करता है, लव्ड फील करता है और स्पेशल फील कर रहा होता है। अब इस फेज के बाद जो नेक्स्ट फेज आता है वो डीवैल्यूएशन फेज होता है। अब वो यहाँ पर जो विक्टिम है यानी जो पार्टनर है उसकी सेल्फ एस्टीम को अंडरमाइन करने लग जाते हैं, क्रिटिसिज्म के थ्रू उन्हें पुट डाउन करते हैं वो, और इमोशनली मैनिपुलेट करते हैं। अब यहाँ पर विक्टिम कंफ्यूज हो जाता है कि पहले उसे ये सब कुछ मिला, अप्रिसिएशन मिली, स्पेशलनेस मिली है, लेकिन यहाँ पर वो कंफ्यूज हो जाता है और हर्ट हो जाता है और कॉन्स्टेंटली वो परेशान रहता है। जो थर्ड फेज है डिस्कार्ड फेज, यहाँ पर जो नार्सिसिस्ट है वो फैसला करता है कि रिलेशनशिप को एंड करना है। अक्सर ऐसा होता है कि अचानक से वो छोड़ के चले जाते हैं, और ये भी हो सकता है कि वो पहले आपको वार्न करते हैं। तो जब वो डिस्कार्ड कर देते हैं, अब विक्टिम कंफ्यूज महसूस करता है, अबैंडन्ड फील करता है और वो पेन फील कर रहा होता है। अब अगर रिलेशनशिप यहाँ पे एंड हो जाता है तो इट इज पॉसिबल कि वो नार्सिसिस्ट अगेन उनकी लाइफ में आ जाए और वापस से कंट्रोल हासिल करना चाहे विक्टिम पर। तो वो ये कोशिशें भी कर सकता है और वापस आके या तो वो अपोलोजाइज करेगा अपने बिहेवियर के लिए, ऐसा भी हो सकता है ताकि फिर से वो लाइफ में आ जाए, या ये भी हो सकता है कि वो प्रॉमिसेस करेगा कि अब ऐसा नहीं होगा, या फिर वो उन्हें अगेन मैनिपुलेट करना स्टार्ट कर देता है गिल्ट के थ्रू या फियर्स के थ्रू। ऐसा भी कह सकते हैं कि तुम्हें मेरे जैसा कोई नहीं मिलेगा, राइट? या उन्हें गिल्ट दे सकते हैं कि तुम कैसे इस रिलेशनशिप को छोड़ सकते हो। सो इस तरह की बातें वो कर सकते हैं। सो ये है नार्सिसिस्टिक अब्यूज साइकिल। अब हम देखते हैं नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर एंड मैरिज। शादी के कॉन्टेक्स्ट में जो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के इंडिविजुअल्स हैं वो इस बॉन्ड पे, शादी के बॉन्ड पे काफी सारे चैलेंजेस का बोझ ला सकते हैं। अब चूंकि वो अपने क्रिटिसिज्म को हैंडल नहीं कर सकते, क्रिटिसिज्म फेस करने में उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तो इस वजह से जो कॉन्फ्लिक्ट्स बनते हैं वो बहुत पेचीदा होते हैं। जो पार्टनर्स के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट होते हैं वो रिजॉल्वेबल नहीं लग रहे थे, कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। सो अगर नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के साथ आपने सक्सेसफुली मैरिज चलानी है, यानी आपने इस रिलेशन को बेहतर अंदाज में चलाना है, तो आपने ओपनली कम्युनिकेट करना होता है अपनी नीड्स, अपनी एक्सपेक्टेशंस, और आपने क्लियर बाउंड्री सेट करनी होती है, और आपको प्रोफेशनल सपोर्ट की भी ज़रूरत पड़ सकती है, खासकर नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर से रिलेटेड। अब हम कुछ रेड फ्लैग्स देखते हैं, यानी कि वो वार्निंग साइंस जो आपको नार्सिसिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के साथ जो इंडिविजुअल है उनके साथ रिलेशनशिप में अर्ली स्टेजेस में नज़र आ सकते हैं। तो सबसे पहले वही कि एक्सेसिव सेल्फ इम्पोर्टेंस, वो अपने पार्टनर में इंटरेस्ट रखने की बजाय जस्ट अपने बारे में ही कॉन्स्टेंटली बात करते रहते हैं। देन लैक ऑफ एम्पथी पाया जाता है कि पार्टनर की फीलिंग्स को शेयर नहीं कर सकते हैं, उन्हें कॉन्स्टेंटली वैलिडेशन और एडमायरेशन की और प्रेज की ज़रूरत होती है अपने पार्टनर से। देन इम्पॉर्टेंट चीज़ कि कंट्रोल एंड मैनिपुलेशन, कि वो अपने पार्टनर्स के एक्शन को और जो उनके डिसीजंस हैं और उनकी थॉट्स को वो डोमिनेट करते हैं या कंट्रोल करना चाह रहे होते हैं। सुपरफिशियल चार्म पाया जाता है, यानी कि
जो जिस तरह से वो खुद को पेश कर रहे होते हैं एज अ चार्मिंग और करिश्मेटिक पर्सनैलिटी के तौर पर, वो अपने आप को सामने ला रहे होते हैं। देन क्रिटिसिज्म को हैंडल करने में इशू होता है, बाउंड्री के इश्यूज होते हैं, वो दूसरों की बाउंड्रीज को डिसरिगार्ड कर देते हैं, उनका ख्याल नहीं रख पाते हैं। और ये है कि जो रिलेशनशिप है उसमें क्विकली आगे बढ़ा जाता है, यानी जिस टाइम हम कहते हैं कि फर्स्ट डे अभी मीटिंग होती है तो नेक्स्ट डे हो सकता है कि वो शादी की बात करना स्टार्ट कर दे, राइट? तो बहुत तेजी से वो रिलेशनशिप को लेकर आगे बढ़ते हैं। मूड स्विंग्स हो सकते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग जिस तरह होती है उस तरह से उनके मूड स्विंग्स भी हो सकते हैं। कभी वो बहुत हैप्पी होंगे, कभी वो सरप्राइज्ड होंगे, कभी सैड हो सकते हैं, कभी एंग्री फील कर सकते हैं। तो उनके जो मूड हैं वो अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। इस तरह से ब्लेम शिफ्टिंग हमने देखा कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में उन्हें प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो वो जो रिलेशनशिप के इश्यूज है उन्हें वो पार्टनर पे शिफ्ट कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि जो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के इंडिविजुअल है उनके साथ कम्युनिकेट किस तरह से करना है। तो सबसे पहले आपने उनके साथ क्लियर बात करनी है, जो बात जिस लिए है उस वजह से ही आपने करनी है। आपने बात का जो मकसद है, जो इंटेंशन है, उसको माइंड में रखना है। आपने डायरेक्टली और स्ट्रेट फॉरवर्डली मैनर में उनसे बात करनी है। देन आपने अपनी बाउंड्री सेट करनी है, आपने जो पर्सनल बाउंड्रीज हैं वो आपने डिफाइन भी कर देनी है कि आपकी बाउंड्रीज क्या है, कौन सी चीज़ें एक्सेप्टेबल है, कौन सी चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं है, और फिर आपने उन बाउंड्री को मेंटेन रखना है और उनको ब्रेक नहीं होने देना। देन जो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के इंडिविजुअल हैं आपने उनको क्रिटिसाइज नहीं करना, क्योंकि आप जानते हैं कि चाहे वो क्रिटिसिज्म उनकी बेहतरी के लिए हो या रिलेशनशिप की बेहतरी के लिए हो, आप जब ऐसा करेंगे तो आपको डिफेंसिव रिस्पॉन्स मिल सकता है और प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में आप जा सकते हैं। तो आपने यहाँ पर क्रिटिसिज्म को अवॉइड करना है, आपने काम रहना है, जो आपके इमोशंस हैं आपने उन्हें इन चेक रखना है। जब भी आपको बात करने की ज़रूरत पड़े तो आपने उस वक्त अपने इमोशंस को इन चेक रखना है और काम रहने की कोशिश करनी है, यानी हर सूरत में आपने कॉन्फ्लिक्ट को और केओस को अवॉइड करना है। देन आई स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल आपने करना है, यानी कि जब आप अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करते भी हैं, कोई बात आपको करनी पड़ भी जाती है, तो आप वो आई स्टेटमेंट्स के साथ कर रहे होते हैं, यानी कि आप ब्लेम नहीं दे रहे बल्कि आप आई स्टेटमेंट्स के तौर पर बता सकते हैं कि मुझे ऐसा फील हो रहा है या मेरा कहने का ये मतलब है, फॉर एग्जाम्पल, राइट? तो ये चीज उन्हें ब्लेम फिर नहीं लग पाएगी जब तक आप अपनी अपनी बात का, अपनी फीलिंग्स का जिक्र कर रहे होंगे। देन इमोशनल इंगेजमेंट को आपने लिमिट करना है। जब आपको मालूम है कि आपकी जो फीलिंग्स हैं, जो इमोशंस हैं, वो शेयर नहीं हो रहे हैं, उनको एम्पथाइज उनके साथ नहीं किया जा रहा है, तो आपने भी इमोशनली इंगेज होने का आपको फायदा कोई नहीं होना। सो आपने इमोशनली डिटैच हो जाना है, खासकर जो वो मैनिपुलेशन है, जो जिस अंदाज में आपकी बाउंड्रीज को क्रॉस किया जा रहा है और जो पेन्स आपको मिल सकते हैं इमोशनल मैनिपुलेशन की सूरत में, तो अब आपने उनसे बचने के लिए एक इमोशनल बाउंड्री भी आपने क्रिएट कर लेनी। देन आपने किन चीजों पर बात करनी है, कौन से ऐसे इश्यूज हैं जिन पे आप बात करना चाहते हैं, तो जो बैटल्स है वो आपने वाइजली चूज करनी है, क्योंकि जो कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे आप उनमें पड़े ही रहेंगे, वो कॉन्फ्लिक्ट्स अनरिजॉल्व रह जाएंगे, वो बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि मुश्किल हो जाता है जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपनी अपनी जगह पर एक्सेप्ट ना की जा रही हो, तो कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना मुश्किल हो जाता है। तो आपने जो अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको अवॉइड करें, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आप उसको डिस्कस कर सकते हैं। सो आपने इश्यूज को प्रायोरिटाइज करना है कि किन चीज़ों को आपने एड्रेस करना है।
बाकी चीजें आपने छोड़ देनी है। तो जो आपकी बैटल्स है आपने वो अकलमंदी के साथ सिलेक्ट करनी है कि किस चीज के बारे में बात होनी चाहिए। देन जब आपको पॉजिटिव बिहेवियर नजर आता है इस रिलेशनशिप में, अब तक तो हम ये देख रहे हैं कि जब हम हमें प्रॉब्लम से किस तरह से बचना है, लेकिन आपको अक्सर पॉजिटिव बिहेवियर भी नजर आ सकता है, तो आपने उसको एक्नॉलेज करना है, उसको सराहना है। इस तरह से आप खुद को हार्म से बचा रहे हैं, तो आपने अच्छी चीज को अप्रिशिएट भी करना होता है, राइट? तो अगर आपको उनकी उनकी तरफ से कोई पॉजिटिव बिहेवियर नजर आता है, तो आपने उसे एक्नॉलेज करना है और आपने उन्हें पॉजिटिव रीइन्फोर्समेंट देनी है, ताकि उस पॉजिटिव बिहेवियर को वो कंटिन्यू करते रहें ज्यादा देर तक के लिए। देन आपने एक्टिवली उनको सुनना है। अब जरूरी नहीं है कि वो जो बात कर रहे हैं आप इमोशनली भी इंगेज हो हर बात के लिए, या आप हर बात से एग्री करें उनकी, ये जरूरी नहीं है, बल्कि ये है कि आपने एक्टिवली उनको सुनना जरूर है। उन्हें ये फील होना चाहिए कि उन्हें सुना जा रहा है। देन आपको जब फील हो कि आपको प्रोफेशनल हेल्प चाहिए, जब आपको कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम्स का स्पेसिफिकली इशू आ रहा हो, तो आपको प्रोफेशनल की, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की, काउंसलर्स की नीड पड़ सकती है, तो ये भी आपको उस वक्त फिर लेनी चाहिए। अब हम कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए कुछ डीएस्केलेशन टेक्निक्स देखते हैं, यानी कि हम किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट से निकल सकते हैं, किस तरह से हम कॉन्फ्लिक्ट्स को ज़्यादा देर तक कॉन्फ्लिक्ट्स में नहीं पड़े रहना, बल्कि हमने उनसे बाहर निकल जाना है, उनको ख़त्म कर देना है। सबसे पहले चीज़ ये है कि आपने जो जब कम्युनिकेट करना है उनसे, तो आपने कोई भी आर्ग्यूमेंट राइट और रॉन्ग के बारे में नहीं करना, यानी कि आप जान चुके हैं कि जो नार्सिसिस्ट है वो कभी इस चीज़ को एडमिट नहीं करेंगे कि वो रॉन्ग करते हैं, क्योंकि जैसे ही वो अगर इस तरह कर लेंगे कि वो उन्होंने रॉन्ग किया है, तो उन्हें ऐसा लगने लगेगा कि वो अपने आप से नफरत कर रहे हैं, तो वो उस सेंस में एक डिप्रेशन में जा सकते हैं। तो मोस्टली और नेचुरली वो इस तरह करेंगे नहीं, बल्कि वो चीज़ आप पे डाल देते हैं। राइट रॉन्ग की जब भी बात आती है कि किसने सही किया किसने गलत किया, वो चीज़ आप पे आ जाएगी बैक, तो आपने इस बारे में कभी उनसे आर्ग्यू नहीं करना है। देन कॉन्फ्लिक्ट से निकलने के लिए एक चीज़ ये भी है कि आपने देखें उनकी फीलिंग्स को एम्पेथाइज करना है, उनकी फीलिंग्स के साथ आपने एम्पथी शो करनी है, कि अगर वो लैक कर रहे हैं एम्पथी, आपने एम्पथी शो करनी है। जब आप उन्हें लिसन करते हैं, जब आप उन्हें सुनते हैं, राइट? सो हमने देखा कि ये एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, अगर वो नहीं फील कर पा रहे हैं या नहीं फोकस कर पा रहे हैं दूसरों की नीड्स पे, उनकी बाउंड्रीज पे, अगर ये नहीं कर पा रहे, तो एटलीस्ट आपको तो आप तो एम्पथी को समझते हैं, तो आपने उनकी फीलिंग्स को जब लिसन करते हैं और एम्पथाइज करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, तो ये बहुत सूदिंग होता है नार्सिसिस्ट के लिए, उन्हें अच्छा फील होता है इससे। जब आप उनके साथ एम्पथाइज करते हैं, एक तो ये है कि उन्हें अच्छा फील होता है, सूदिंग महसूस होता है। दूसरी चीज़ ये है कि देखिए, एम्पथी एक स्किल है, एम्पथाइज करना एक स्किल है, और अगर आप चाहते हैं कि जो आपके पार्टनर हैं या जो आपके रिलेटिव हैं वो भी एम्पथाइज करना सीखें, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ एम्पथाइज करना होगा। जब वो इस एम्पथाइज करने के इम्पैक्ट को देखते हैं मोर एंड मोर, तो देयर आर चांसेस कि वो उनमें भी एम्पथाइज करने की कैपेसिटी इंक्रीज कर जाती है, क्योंकि जिस तरह से बात की जाती है, लव बिगेट्स लव, तो एम्पथी टीचेस एम्पथी, राइट? कि जब आप एम्पथी से पेश आ रहे हैं उनके साथ, उन्हें एम्पथी का गिफ्ट कर रहे हैं, उन्हें अच्छा फील हो रहा है, उन्हें ये भी समझ आएगी कि दूसरों के साथ एम्पथाइज करना भी कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो सेकेंड जो चीज़ है वो ये है, इस तरह से भी आप कॉन्फ्लिक्ट्स और आर्ग्यूमेंट से बच जाएंगे। फिर आपने बात किस अंदाज में करनी है, इसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं, कि जब आप उनसे बात करते हैं कि आप उनकी फीलिंग को अंडरस्टैंड कर रहे हैं,
तो आप उन्हें बताते हैं कि आपने शायद डिसअपॉइंटेड महसूस किया होगा या एंग्री फील किया होगा, हर्ट महसूस किया होगा जब ब्लैंक, यानी जब कोई इवेंट हुआ है, जब आपने कुछ कहा है मे बी। तो इस एग्जांपल को आप इस तरह से उनसे कहते हैं, तो फिर आप उन्हें बताते हैं कि आप उनकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड कर रहे हैं आपने, लेकिन इस अंदाज में बात नहीं करनी कि आई नो यू फेल्ट डिसअपॉइंटेड एंड दैट इज जस्ट हाउ आई फील व्हेन यू डू दिस, राइट। यानी कि जब मैंने ऐसा किया या कहा तो आप डिसअपॉइंटेड महसूस करें, और जब आप ऐसा करते हो तो तब मैं भी डिसअपॉइंटेड महसूस करता हूँ या मैं भी ऐसा ही फील करता हूँ। तो इस तरह से आपने उन्हें नहीं कहना, उन्हें ये चीज़ ब्लेम लग सकती है। आपने जस्ट उनकी जो फीलिंग है उसके बारे में बात करके आप उन्हें बताएंगे कि आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो ये फिर आप एक तरह से एम्पथी शो कर रहे होते हैं। अब हम देखते हैं कि असर्टिवनेस की जो स्किल्स है वो कैसे वर्क कर सकती हैं और बाउंड्रीज कैसे सेट करनी चाहिए। तो सबसे पहले कि आपने अपने आप को इमोशनली और प्रैक्टिकली उस इमोशनल हार्म से बचाना है जो कि कॉज हो सकता है वाइल इंटरेक्टिंग विद अ पर्सन विद नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। सो आपको पुश किया जा सकता है, आपकी जो बाउंड्रीज अगर हैं भी तो उनकी केयर नहीं वो करेंगे, उनका ये ख्याल होता है कि उन पे ये रूल्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं, वो सुपीरियर हैं सबसे तो उनके लिए कोई बाउंड्रीज नहीं है, राइट। तो वो आपकी बाउंड्रीज का ख्याल नहीं रख रहे होंगे। ये चीज़ें आपने बार बार आपने इस चीज़ को एम्फेसाइज करना है कि ये आपकी बाउंड्रीज हैं और आप इन्हें क्रॉस नहीं होने देना चाहते, राइट। तो फिर पॉसिबल हो सकता है कि वो आपकी बाउंड्रीज को इग्नोर ना कर पाए और उनका एहतराम करने लग जाए। अब किस अंदाज में असर्टिवनेस शो करनी है और किस तरह से बाउंड्री सेट करनी है आपने, सबसे पहले तो आपने तय कर लेना है कि कौन सी वो चीज़ें हैं जो आप एक्सेप्ट करेंगे, कौन से बिहेवियर्स और कौन से आप बिहेवियर्स जो हैं वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यानी कि किन चीज़ों को आप टॉलरेट कर सकते हैं, कौन सी चीज़ें ज़्यादा पेनफुल नहीं हैं और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके लिए बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये आपने पहले इस चीज़ को डिसाइड कर लेना है। सेकेंड थिंग इज़ कि आपने नो कहना सीखना है। जब भी कोई डिमांड होती है तो आपने नो कहना सीखना है। जब आपका दिल नहीं चाह रहा कुछ करने का या एक्सेप्ट करने का, एग्री करने का, एनीथिंग, जब आपका दिल नहीं चाह रहा आपने नो कह देना है, ठीक है। तो ये आपने इस सिचुएशन को आपने पहचानना है। यानी हर दफा आप उनकी हर बात ना मान रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आपका दिल नहीं कर रहा कुछ करने का तो आप नो कह सकें। देन आपकी जो चॉइसेस हैं आपने उन्हें एक्सप्लेन नहीं करना कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, या जो आपके डिसीजंस हैं आपने उनको डिफेंड नहीं करना, आपने डिफेंसिव नहीं होना, आपने डिटेल्स नहीं बतानी है, दलीलें नहीं देनी है कि आप क्यों इस तरह से पसंद करते हैं या आपने क्यों ऐसा फैसला किया है। देन जो इमोशनल ड्रामा है, जो हमने मैनिपुलेशन देखी है, आपने उसमें इंगेज नहीं होना, किसी भी सूरत आपने उसमें इंगेज नहीं होना। इट कैन बी पेनफुल, तो उस चीज को ही आपने अवॉइड कर देना है, वहां से आपने डिस्ट्रैक्ट कर लेना है खुद को, वहां से आप मूव कर सकते हैं जब कोई इस तरह की बात चलने लगे। अब अगर वो कोई ऐसे हार्श कमेंट्स देते हैं या डी वैल्यू करते हैं, आपने उनको पर्सनलाइज नहीं करना, उनको पर्सनलाइज नहीं करना। फिर आपने कंसीक्वेंसेस सेट करने हैं, यानी कि अगर वो जो आपने पॉइंट नंबर वन में देखा कौन सी चीज़ें आप टॉलरेट नहीं करेंगे, तो अगर वो टॉलरेट आप नहीं करेंगे तो फिर आप क्या करेंगे। तो आपने वो कंसीक्वेंसेस सेट करने हैं कि जो मिसबिहेवियर्स हैं या डिवेल्यूएशन है उसको जब आप फेस करेंगे तो फिर आपने क्या करना है। क्या आप वहां से चले जाएंगे, यानी उस बाउंड्री पे आप कैसे अमल करते हैं, क्या कंसीक्वेंसेस हैं,
आपने सेट किए होने चाहिए और फिर आपने उनसे जुड़ा रहना चाहिए। कि आप उनसे नाराज हो जाएंगे, कि आप उनसे कितने दिन बात नहीं करेंगे, आपने इस चीज को सेट करना है और इस पे फिर अमल भी करना है, इससे जुड़े रहना है। आपने अपना एजेंडा जानना है, आप चाहते क्या है, यानी आप किस तरह के रिलेशनशिप में हैं उनके साथ, और आप जो बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर भी रहे हैं, तो आप किस चीज की बात कर रहे हैं, देन आप जो बाउंड्रीज बना रहे हैं, बाउंड्रीज सेट कर रहे हैं, असर्टिवनेस वो क्या है, किस हद तक है, आपने अपना एजेंडा समझना है और जानना है। फिर आपने जो अपनी इंफॉर्मेशन है वो ओवर शेयर नहीं करनी है, पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है हो सकता है कि वो बाद में आप ही के खिलाफ इस्तेमाल की जाए, तो जो जरूरी बात है वो आप उनसे कर सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट बात है, और ओवर शेयरिंग आपने नहीं करनी कभी, खासकर जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसके लिए। देन कॉल देम आउट ऑन व्हाट्स हैपनिंग। जब आप देखें कि आपकी बाउंड्रीज क्रॉस की जा रही हैं या डिसरिस्पेक्ट से पेश आया जा रहा है, आपको डिवैल्यू किया जा रहा है, या फिर जो आपकी बाउंड्रीज हैं उनको पुश किया जा रहा है, जब आप इस तरह से होता हुआ देखें, या किसी तरह से इमोशनल मैनिपुलेशन में और इमोशनल ड्रामा में आपको इन्वॉल्व किया जा रहा है, तो आपने वहां पर असर्टिवली ऊंची आवाज में, आपने उन्हें बताना है ये क्या हो रहा है, ठीक है, आपने उस चीज की बात करनी है जो वहां पे हो रही है, जो आपको होती नजर आ रही है, चाहे वो मैनिपुलेशन है, जो चीज आपको जिस तरह से लग रही है आपने उसका जिक्र करना है वहां पे, सो आपने इस अंदाज में असर्टिव होना है। असर्टिव क्या मीनिंग है, कि आप को जब कोई हर्ट कर रहा है, मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, तो आप अपनी नीड्स के लिए, अपनी बाउंड्रीज के लिए, और आप बोलते हैं, दिस इज असर्टिवनेस, तो यहाँ पर आपने इसी तरह से पेश आना है, क्योंकि अगर आप खामोश रहते हैं, साइलेंट रहते हैं, वो चीज़ सहते रहते हैं, तो देयर आर चांसेस कि वो उसको और ज्यादा बढ़ा देंगे और आपको मजीद सहना पड़ सकता है, तो आपने अपने लिए आवाज उठानी होती है। देन आप देखेंगे कि जब आप बात कर रहे होते हैं किसी नार्सिसिस्ट के साथ, या वो आपसे बात कर रहे होते हैं, तो सारा फोकस जो है उनकी जात पे होता है, मतलब सारी इंपॉर्टेंस जो है वो उनकी जात को मिल रही होती है, मतलब वो हर्ट हो गए हैं, उनके साथ जुल्म हो रहा है, जो फोकस है, जो अटेंशन का सेंटर है वो उनकी जात है। तो अब आपने क्या करना है कि अपनी जात पे भी फोकस ले आना है, आपने अपनी फीलिंग्स की भी बात करनी है, दिस इज असर्टिवनेस, एक रिस्पेक्टफुल वे में आपने अपनी तरफ फोकस ले आना है। देन आपने इस बारे में सोचना है कि आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं, आपने कहाँ लेके चलना है इस रिलेशनशिप को, आपके अपने क्या गोल्स हैं, आपने क्या करना है। फिर आप अक्सर देखेंगे कि जो नार्सिसिस्ट हैं वो दूसरे लोगों को जज करते रहते हैं, उनके अक्सर नेगेटिव रिमार्क्स हो सकते हैं दूसरों के लिए, तो ऐसी सिचुएशन में आपने कोशिश करनी है कि उन्हें ज्वाइन ना करें, जब वो जज कर रहे हैं दूसरों को, तो आप उन्हें इस चीज में ज्वाइन ना करें, यानी आप उनकी फीलिंग्स को तो वैलिडेट कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो वो बात कह रहे हैं तो उन उस बात को भी आप एक्सेप्ट कर लें या आप भी उसमें शामिल हो जाएं, तो ऐसा नहीं करना है। अब जो टाइम और एफर्ट आप उस रिलेशनशिप को दे रहे हैं, आप उसको लिमिट कर दें। जब आप देख रहे हैं कि बाउंड्रीज का भी ख्याल नहीं रखा जा रहा, ये सारे प्रॉब्लम्स हैं, मैनिपुलेशन हो रही है, इमोशनल पेन आप फील कर रहे हैं, तो आप अब इमोशनल जो आपका कनेक्शन है, बॉन्ड है, उसको, और जो आपका टाइम और एफर्ट आप दे रहे हैं, इन सब चीज़ों को आपने लिमिट कर देना है। फिर जब आप देखें कि चीज़ें हद से बढ़ रही हैं, जब
प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो आपने ये भी डिसाइड करना पड़ सकता है आपको कि आपने कब वॉक अवे कर जाना है इस रिलेशनशिप से या उस सिचुएशन से, और आपको एग्जिट स्ट्रेटेजी भी क्रिएट करनी पड़ सकती है। अब जब आप बाउंड्रीज सेट करते हैं, तो नार्सिसिस्ट उन बाउंड्रीज को किस तरह से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं? सबसे पहले एक तो ये होता है कि वो आपको ब्लेम दे देते हैं, यानी जो उनका बिहेवियर था वो उसके लिए आपको ब्लेम दे देंगे, यानी कि जो कुछ भी वो कर रहे थे, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे आपके लिए, जो सारी मैनिपुलेशन हो रही थी, जिस तरह से आपकी बाउंड्रीज क्रॉस की जा रही थी, उस सारे बिहेवियर के लिए जिससे आपको डिवैल्यू किया जा रहा था, उसके लिए वो आपको ब्लेम कर देंगे। देन बाउंड्रीज को इग्नोर कर देंगे वाजे तौर पर, जो आप बाउंड्रीज उन्हें बता चुके हैं, तो वो इसमें नहीं हिचकिचाएंगे, उन्हें कोई शेम नहीं फील होगी, वो उनको टोटली इग्नोर कर देंगे। ये भी हो सकता है कि वो विक्टिम प्ले करने लग जाएं, यानी कि वो अपने आप को मजलूम के तौर पर शो करें, वो रोने लग जाएं और वो शो करें कि आपने उनके साथ जुल्म किया, आपने बुरा किया है। ये भी हो सकता है। देन वो टोटली आपको इग्नोर कर दें। ऐसा भी होता है अक्सर कि आपको टोटली इग्नोर कर दिया जाता है, आपको कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही है, आपने चूंकि बाउंड्री सेट कर ली हैं, तो अब वो आपको टोटली आपको वो इग्नोर कर सकते हैं। देन वो बहुत ज्यादा गुस्सा भी हो सकते हैं, जो नार्सिसिस्टिक रेज है उसमें एक्ट आउट वो कर सकते हैं, या फिर वो आपको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, और या आपको बता सकते हैं कि आपको उनकी कितनी जरूरत है, राइट? यानी कि वो आपको बता सकते हैं कि वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आप उनके बगैर नहीं रह सकेंगे, ऐसा भी हो सकता है, या वो आपको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, या फिर वो आपके बारे में र्यूमर्स तक स्प्रेड कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं स्मियर कैंपेन्स, कि वो दूसरों तक आपके बारे में कुछ ऐसी न्यूज़, कुछ ऐसे पॉइंट्स आगे बयान कर सकते हैं ताकि आपको दूसरों से भी सपोर्ट ना मिल सके, राइट? ये चीज़ें आपको फेस करनी पड़ सकती हैं जब आप अपने लिए बाउंड्री सेट करते हैं। नाउ एट द एंड ऑफ द कोर्स लेट्स सी व्हाट इज हेल्दी सेल्फ एस्टीम वर्सेस नार्सिसिज्म। नार्सिसिज्म में और एक हेल्दी सेल्फ एस्टीम में क्या डिफरेंस हो सकता है? यानी हम देखते हैं कि नार्सिसिज्म में एक सेल्फ की इम्पोर्टेंस हमें नजर आ रही है, लेकिन वो जो इम्पोर्टेंस है और वो जिस तरह से एडमायरेशन अपने लिए चाह रहे हैं, प्रेज चाह रहे हैं, वो एक तरह से पैथोलॉजिकल है। तो अब हेल्दी सेल्फ एस्टीम का क्या मीनिंग हो सकता है और हम उसे किस तरह से देख सकते हैं, कैसे डिफाइन कर सकते हैं? सो नार्सिज्म को तो हमने देख लिया कि इंटीमेट रिलेशनशिप्स की कैपेसिटी नहीं होती है, या हम कह सकते हैं कि उन्हें चाहिए नहीं होते हैं, या उनके होते नहीं हैं ऐसे कोई वार्म रिलेशनशिप्स होते नहीं है, राइट? तो उनका जो मेन गोल होता है लाइफ में, जो प्राइमरी गोल है, जो उनका एम होता है लाइफ का, वो दूसरों को ये शो करना होता है कि वो उनसे बेहतर है, दे आर सुपीरियर, और इस तरह से वो दूसरों से एडमायरेशन चाह रहे होते हैं लगातार बेसिस पे। तो जब तक उनको वो एडमायरेशन मिलती है तो वो प्राउड फील करते हैं, एलेटेड फील करते हैं, लेकिन जब उनको वो अटेंशन नहीं मिल पाती है तो उन्हें शेम फील हो सकती है, एम्बेरसमेंट फील हो सकती है, या एंगर और एग्रेशन के साथ वो रिएक्ट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया नार्सिसिज्म। अब हम देखते हैं कि जो हेल्दी सेल्फ एस्टीम है या हाई सेल्फ एस्टीम है, उसके साथ जो लोग होते हैं तो वो अपनी जात के साथ सेटिस्फाइड होते हैं,
उन्हें सुपरियॉरिटी शो करने की कोई नीड नहीं होती है, उन्हें किसी दूसरे से सुपीरियर फील करने का उनमें कोई सेंस नहीं होता कि वो दूसरों से बेहतर हैं, क्योंकि उनकी हाई सेल्फ एस्टीम है, तो वो ऐसा इस अंदाज में नहीं सोच रहे होते हैं। वो अपने आप को वैल्यूएबल इंडिविजुअल समझ रहे होते हैं, लेकिन दूसरों से ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं समझ रहे होते, यानी वो कंपटीशन में नहीं होते हैं दूसरों के साथ कि वो सुपीरियर हैं और दूसरे इन्फीरियर हैं, या इन्होंने खुद को आइडियलाइज करना है, दूसरों को डीवैल्यू करना है, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं होती है। और जो हाई सेल्फ एस्टीम वाले लोग होते हैं, वो चाह रहे होते हैं कि दूसरों के साथ अच्छे ताल्लुकात, हेल्दी रिलेशनशिप्स में वो जुड़े रहें, चाहे वो फैमिली रिलेशनशिप्स हैं, वर्क के रिलेशनशिप्स हैं, तो वो कनेक्टेड रहें, ये एक चीज़ पाई जाती है। और जो हाई सेल्फ एस्टीम वाले लोग होते हैं, तो वो कम ही ऐसे चांसेस आते हैं जब एग्रेसिव फील करते हैं या एंग्री फील करते हैं दूसरों के लिए। सो ये कुछ फर्क है हाई सेल्फ एस्टीम और नार्सिसिज्म में। सो यहाँ पर हम इस कोर्स को एंड करते हैं। इस कोर्स में हमने देखा कि नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्या है, बेसिकली नार्सिज्म है क्या, हेल्दी नार्सिज्म क्या होता है, अनहेल्दी नार्सिज्म क्या है, हमने उसके स्पेक्ट्रम को देखा, देन हमने जो क्राइटेरिया है डायग्नोसिस के लिए नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर और उसके करेक्टरिस्टिक्स हमने देखे हैं, देन हमने ये देखा कि कौन कौन सी थेरेपीज वर्क करती हैं नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के लिए और किस अंदाज में वर्क करती हैं। इसके अलावा जो नार्सिसिज्म है, नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कि जो इंडिविजुअल्स हैं तो वो किस अंदाज में बिहेव कर रहे होते हैं, एक तो हमने ये भी देखा कि वो किस तरह से सोच रहे होते हैं, किस तरह से फील कर रहे होते हैं, और फिर वो किस तरह से बिहेव कर रहे होते हैं, और खास करके वो किस तरह से मैनिपुलेट करते हैं, जो कि मेन एक चीज समझी जा सकती है कि किस तरह से दूसरे उनसे हार्म हो सकते हैं, हर्ट हो सकते हैं, और आगे चलकर एक पेनफुल सिचुएशन, डिस्ट्रेस और यहाँ तक कि ट्रॉमा और दूसरी मेंटल इलनेसेस का शिकार हो सकते हैं। तो हमने ये चीज़ें भी देखी हैं कि किस किस अंदाज में वो मैनिपुलेट कर सकते हैं, फिर हमने उनकी मैनिपुलेशन को लेकर जो दूसरे हैं वो किस तरह से उस मैनिपुलेशन को हैंडल कर सकते हैं, ये चीज़ भी हमने देखी है, यानी रिलेशनशिप्स में किस तरह से रहा जा सकता है। फिर हमने एग्जिट स्ट्रेटजी की भी बात की कि अगर वो रिलेशनशिप को उनके जो पार्टनर हैं नार्सिसिस्ट के वो एंड करना चाहते हैं, तो उसके लिए एग्जिट स्ट्रेटजी किस तरह से हो सकती है। तो इन सब चीजों से गो थ्रू करने के बाद आज हमने ये देखा है कि जो नार्सिसिज्म है बेसिकली उस उनके साथ कम्युनिकेशन किस तरह करनी है नार्सिसिस्ट के साथ, और अगर फाइट में आप चले जाते हैं ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे डिसएग्रीमेंट्स हैं और आपको बहुत ज़्यादा डीवैल्यूएशन का सामना करना पड़ सकता है, इमोशनल मैनिपुलेशन का सामना करना पड़ सकता है, तो अब यहाँ पर आपने उस फाइट से डीएस्केलेट कैसे करना है। तो यहाँ पर हम अपने इस कोर्स का इख्तिताम करते हैं। वी होप कि इससे आपने बहुत कुछ सीखा होगा अबाउट नार्सिसिज्म एंड नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर।